प्राचीन काल से भारत में खिलौने का विशेष महत्व है। हमारे पारंपरिक खिलौने सरल और वास्तविक जीवन के ज्ञान को साथ जोड़ सकते हैं। हड़प्पा और सिंधु संस्कृति के जो अवशेषों पाए गए हैं उसमें भी खिलौने का विशेष महत्व है। खिलौना वह है जो समाज को दर्शाता है। वह बच्चों में शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। छात्रों हमारी भूली हुई विरासत को पुनर्जीवित करने के साथ साथ रोजिंदा जीवन में प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक खिलौने का उपयोग न करके जैविक खिलौने का उपयोग महत्वपूर्ण कीजिए। इसलिए यह इस कृति में खिलौने बनाए गए हैं। हमारे पहले खिलौने का नाम है गुणा पड़ा वर्तन। बनाने के लिए लकड़ी और दो समतल दर्पण का उपयोग किया गया है। दो समतल दर्पण है, उनको इस तरह व्यवस्थित करें कि उनकी किनारे 90 डिग्री की कोण पर स्पर्श करें। उनके बीच को एक चीज रखें। आपको आगे विभिन्न प्रकार की प्रतिबिंब दिखाई देगी। जैसे जैसे कोण छोटा होता जाएगा प्रतिबिंब की संख्या ज्यादा होने लगेगी। हमारे दूसरे खिलौने का नाम है हाइड्रोलिक जेट। गम्बल ज्यादा वजन उठाने के उच्चालन के सिद्धांत पे कार्य करता है। यह बनाने के लिए आइसक्रीम की स्टिक, तांबे का तार, इंजेक्शन की सिरिंज आदि का उपयोग किया गया है। दो सिरिंज को समांतर बॉन्ड में फीड कर दीजिए। आइसक्रीम की चम्मच ले और उनकी सिरों पर छेद कीजिए। उसमें तांबे का तार लगा के स्नेक जैसा स्ट्रक्चर तैयार कीजिए। पहली सिरिंज में पंप करने वाली दूसरी सिरिंज में पानी का दबाव ज्यादा होने के कारण उसका वजन आसानी से उठाया जा सकता है। इस खिलौने का नाम है सेकिंग डॉल। गुरुत्वाकर्षण केंद्र पर वस्तु की गति और संतुलन है। सेकिंग डॉल बनाने के लिए हमें नारियल की खोल, कागज, एक्रिलिक कलर, ऊन आदि का उपयोग किया गया है। सबसे पहले नारियल की खोल को कांच के कागज से साफ करें, फिर उसमें कलर करके गुड़िया जैसा आकार दे। एक कागज का कॉन बनाए, उस पर गुड़िया का मुंह बनाया हुआ खोल रखे। कागज के कॉन पे नारियल की खोल रखने से गुड़िया की गर्दन हिलते हुए देख सकते है। इस तरीके पनियार की ऐसी बिन उपयोगी चीजों से हम गुड़िया जैसा आनंददायक खिलौना बना सकते हैं। इस खिलौने का नाम है वुड पिकर। गर्सा और भार वुड पिकर बनाने के लिए हमें तांबे का तार, साइकिल का रोड, कन फोटवा का चित्र आदि का उपयोग किया गया है। सबसे पहले कन फोटवा का चित्र लेकर उसे कास्ट शीट पर रखे, फिर उसे कट करके उसमें कलर कर दे। तांबे का तार लेकर उसे स्प्रिंग जैसा बनाए, स्प्रिंग के तार को पक्षी के चित्र के साथ जोड़े, स्प्रिंग को साइकिल के रोड में डालें। घर्षण और भार एक तरफ होने के कारण पक्षी धीमे धीमे नीचे आता जाएगा। इस तरह से बच्चे बंदर, चूहा जैसे प्राणी या फिर पक्षी के खिलौने बना सकते हैं। हमारे इस खिलौने का नाम है गिलोल गन। स्थिति ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। गिलोल गन बनाने के लिए रबर, स्टील की पाइप के टुकड़े, नटबॉल आदि का उपयोग किया गया है। लकड़ी, स्टील की पाइप के टुकड़े और रबर की मदद से गिलोल गन बनाई गई है। यह गिलोल गन प्राचीन में है। यह गिलोल गन बंदूक जैसा कार्य करती है। इस खिलौने का नाम है
कठपुतली। कठपुतली को बनाने समाज और लोक संस्कृति से जुड़ा हुआ एक खिलौना। कठपुतली को बनाने के लिए हमें लकड़ी, सुई धागा, कपड़ा, लेस आदि का आदि चाहिए। एक लकड़ी का टुकड़ा ले और उस पर मुख का तोड़ा करें, उस पर कलर करें। कपड़ा और सुई धागे की मदद से कठपुतली को तैयार करें, लेस लगाकर उसको सजाएं। इस तरीके से हमारी एक कठपुतली की तैयार की गई है। रस्सी की मदद से उसे हिला सकते हैं। कठपुतली के माध्यम से संस्कृति पोशाक की पहचान होती है। हमारे इस खिलौने का नाम है शैडो पपेट। प्रकाश के मार्ग में अपारदर्शी पदार्थ आने से छाया बनता है। शैडो पपेट बनाने के लिए बटर पेपर, बॉक्स, कागज आदि का उपयोग किया गया है। शैडो पपेट की स्क्रीन तैयार करने के लिए बॉक्स को ठीक से काटे और बटर पेपर लगा के तैयार कीजिए। कागज और स्टिकी मदद से पपेट बनाइए। पर्दे के पीछे से पपेट को हिलाइए, आपको उसका परछाया छाया दिखाई नजर आएगा। वस्तु के किसी आकार की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। हमारे इस खिलौने का नाम है एक्रोबेट। केंद्र प्रसारण बल। एक्रोबेट बनाने के लिए हमें कागज, सुई धागा, लकड़ी आदि का उपयोग किया गया है। एक कास्टिक ले और उसमें मनुष्य के शरीर के दो चित्र बनाएं। दोनों चित्र में दो हाथ, दो पैर, दो सिर, दो भुजाएं बनाएं। सारे अवयव को एक साथ एडजस्ट कर सुई धागे की मदद से सी ले। बीच में एक लकड़ी की स्टिक लगा दे। जब हम स्टिक को हिलाएंगे तब हाथ पैर ऊंचे उठ जाएंगे। इस खिलौने की चाल धार दर बार बदल जाती है। हमारे इस खिलौने का नाम है रोबोटिंग हैंड। यह रोबोटिंग हैंड आइसक्रीम की चम्मच और तांबे का तार और ढक्कन से बनाया गया है। और यह रोबोटिंग हैंड स्ट्रो, ऊन और पुठे की मदद से बनाया गया है। यह किसी भी वस्तु को आसानी से पकड़ सकता है। हमारे खिलौने का नाम है मैग्नेटिक टॉप। हमारी त्रुटि की उपयोगिता। ये खिलौने पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ साथ डिस्पोजेबल भी है। ये प्रकृति को नुकसान करते नहीं है। बच्चे खिलौने बनाने का आनंद ले सकते हैं। ये खिलौने कम खर्च में बनाए गए हैं। कठपुतली जैसे खिलौने से बच्चों में सृजन शक्ति का विकास होता है। हमारे इस खिलौने से बच्चों सिद्धांत आसानी से समझा सकते हैं। बच्चों में रचनात्मकता और काल्पनिक चिंता फलती फूलती है। थैंक यू।